छू रहे हैं। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बड़ालगंज थाने की पुलिस ने हत्या के प्रयास का अपराध करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान नितिन यादव के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जितेंद्र कुमार ने बताया, थाना बड़ालगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मदराह की रहने वाली एक महिला के द्वारा आज थाने पर आकर एक लिखित तहरीर दी गई कि वह अपनी बेटी के साथ में खेत पर गए थे और जब काम करके खेत से वापस अकेले उसकी बेटी वापस घर आ रही थी, तभी रास्ते में नितिन यादव नाम के लड़के ने अपने साथी के साथ उससे उसका मोबाइल नंबर मांगा और उसके साथ बातचीत जबरन करना चाह रहा था। इस पर लड़की के द्वारा विरोध किया गया, तभी नितिन यादव के द्वारा किसी वस्तु से उसके सिर पर प्रहार किया गया, जिससे उसके सिर में चोट आ गई। इस तहरीर के आधार पर थाना पुलिस के द्वारा तत्काल धारा 307 IPC के साथ साथ अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और जो पीड़िता है उसको उपचार के लिए निकटवर्ती CHC अस्पताल में दाखिल कराया गया और जहां से प्राथमिक उपचार के बाद में उसको चिकित्सालय से वापस घर भेज दिया गया। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है नितिन यादव, उसको थाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें निदेशात्मक कार्यवाही के अंतर्गत शीघ्र ही साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए इसमें जल्दी आरोप पत्र प्रेषित